नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बाबू भारतीय भवन के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो भारतीय भवन के बुक में जितने भी 1 से लेकर 17 तक मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्वालिटी भी काफी अच्छी रहेगी वीडियो के और कंटेंट भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, और इस चैनल पर सिर्फ आपको भारतीय भवन की वीडियो नहीं मिलेंगे, आप न्यूमेरिकल में भी आप किसी भी चीज का, जितने भी जो फेमस बुक जिसे हम कह सकते हैं, उन सबका बुक का तो आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो, तो जैसे मैं तुमको मिल जाएगा बाबू HC वर्मा सर का। ठीक है, HC वर्मा सर का जो क्लास 9 का फिजिक्स बुक है, उसका भी तुमको मिल जाएगा बाबू। ठीक है, जाकर के प्ले लिस्ट चेक करो उसका भी। सबका तो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, और कुछ कुछ चैप्टर का, यानी लगभग सब सारे चैप्टर का हो गया है। ठीक है, स्टालिन मल्होत्रा का भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, NCERT का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ भारतीय भवन के पढ़ करके घर पर बैठे मत रहो, आगे और बढ़ो। और तुम सबके लिए मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसमें भी तुम जुड़ जाओ और देखो, मजे करो, पढ़ो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आ जाता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुमको क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी वह 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, चलो, तो 16 मीटर की दूरी ना 4 सेकंड में तय करे, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बाबू? तो औसत चाल बराबर हो जाता है, क्या फॉर्मूला होता है बाबू? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, क्या हो जाता है? कुल दूरी बटा क्या होता है? कुल समय। कहाँ है, भड़क रहा है भाई। ठीक है, चलो, तो कुल दूरी इसने क्या दिया है? कहते हैं यहाँ पर देखो, 16 मीटर की दूरी इसने 4 सेकंड में तय किया है और अगले 16 मीटर की दूरी इसने 2 सेकंड में तय किया है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, यानी 16 मीटर प्लस 16 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, टाइम कितना है? एक बार 4 सेकंड लिया है समय, एक बार 2 सेकंड, तो कुल समय जोड़ जाओगे 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, यानी 32 मीटर, और 4 2 क्या होगा? 6 सेकंड, तो काट दो तो क्या हो जाएगा? 16/3। ठीक है, यानी औसत चाल इसका क्या हो जाएगा? 16/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पहला नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत आराम से समझ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुमको क्या दे दिया है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय, यहाँ पर कार होगा बाबू, कार का जो ओडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल यानी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कर दूसरा कह ले लें, उसको ठीक लग रहा है। चलो आगे, तो कार का जो है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि शुरू होते समय कार जो है कितना प्रदर्शित करता है? कार का जो ओडोमीटर, कार पर बैठे हो गए बाबू, तो आप किलोमीटर बताता है कि आपने कितना चला है, वो तुमको बताता है। ठीक है, तो जिस समय गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था उस समय उसका जो कार है वो कितना प्रदर्शित कर रहा था बाबू? 2000 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कार से उतरा, यानी वो आया था समाप्त कर ले, तब उसका जो कार है वो कितना बता रहा था? 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से समझो कि उस दौरान उसने कितना रास्ता तय किया? 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर का सफर उसने तय किया, तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा, ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा तुमको? 400 किलोमीटर में 400 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से आ जाएगा? 2400 में से 2000 माइनस कर। ठीक है, एक बात और ख्याल रखो बाबू, न्यूमेरिकल बनाना है तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं। आगे आ जाओ, तो ऑर्डर टू, अब यहाँ पर आ जाओ, तुमको 400 किलोमीटर तो दूरी आ गया, और क्या करे कि इस यात्रा में उसको 8 घंटा समय लगता है, यहाँ पर तुमको समय दे दिया है कितना? 8 आवर ना, 8 आवर तुमको समय दे दिया है। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है औसत चाल ना, तो औसत चाल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है बाबू? कुल दूरी बटा कुल समय ना, अभी हम देख रहे पिछला क्वेश्चन में, तो कुल दूरी यहाँ पर कितना हो गया? 400 किलोमीटर ना, 400 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है? 8 घंटा ना, 8 घंटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर आ गया औसत चाल। ठीक है, तो यह आ गया किसी में किलोमीटर पर आवर में, तुमको क्या कह रहा है? हमको मीटर प्रति सेकंड में भी ज्ञात करो,
तो किलोमीटर प्रति, आप लोग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना ना, 5/18 से गुना करते तो 9 हो जाएगा, 25 हो गया, तो 25 पर 125 है ना, तो 125 बटा 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर बाबू, ठीक है। तो तुम आराम आराम से समझते जाना और बनाते जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है घर वाला, एकदम शांति से। अब क्या कर रहा है कि उषा 90 मीटर लंबे तरण ताल को तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उसकी औसत चाल और उसकी औसत वेग ज्ञात करें, औसत वेलोसिटी ज्ञात करें, ठीक है। तो तरण ताल में क्या कर रहा है वो, तरण ताल में यानी स्विमिंग पूल, ठीक है। तो उषा जो है, जो 90 मीटर का जो कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, मान लो कि का है 90 मीटर का है एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो 90 मीटर का जो स्विमिंग पूल, क्या करते हैं, एक सिरे से तैर कर को सीधी रेखा में है और जाती है और वापस पुनः आ जाती है, ठीक है। तो पहले जाती है एक सिरा पर और फिर वापस आ जाती है, पहुंच जाती है कहीं पर। तो हम क्या कह रहा है कि तुमको औसत चाल और औसत वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो औसत चाल के लिए तुमको क्या चाहिए, दूरी ना, तो दूरी हो जाएगा। तो दूरी इसने कितना तय किया, एक बार वो 90 गया ना, अब फिर से वापस 90 आई है ना, तो 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा। ओहो बड़ा कह रहा है भाई, कुल दूरी क्या हो जाएगा, 180 मीटर है, 180 मीटर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, तुमको औसत वेग ज्ञात करना है तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, विस्थापन बाबू। तो विस्थापन देखो ना, तुम विस्थापन कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉरी विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि प्रारंभ कहाँ से करा और आखिर कहाँ पर मिलता है। देखो तो बाबू, उषा जो है, उषा मैडम जो है, तो प्रारंभ भी उषा मैडम यहीं पर कर रहे हैं और उषा मैडम जो है अंत भी यहीं पर कर रहे हैं। तो बताइए, उषा मैडम प्रारंभ यहीं पर कर रहे हैं, अंत भी यहीं पर कर रहे हैं, तो विस्थापन क्या होता है बाबू, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभ भी एक ही बिंदु पर, अंत भी यहीं पर, तो यानी क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ क्या हो जाएगा, 0 मीटर, 0 मीटर। अब आगे आ जाओ, 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में नौ तय करता है बाबू, ठीक है। तो 180 मीटर का जो दूरी है वह कितना देरी में तय करता है, 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी इसने कितना तय किया, 180 मीटर का ना, तो 180 मीटर, कुल समय क्या हो जा रहा है, 60 सेकंड का ना, तो 60 सेकंड कैलकुलेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, औसत चाल। तो औसत वेग भी याद करना, तो औसत वेग याद करते हैं, तो औसत वेग में क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो विस्थापन ही 0 है, समय तो लग रहा है जितना भी लगे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या हो जाएगा, 0 ना, तो 0 मीटर पर सेकंड इसका क्या होगा, विस्थापन, ठीक है। तो तुम ध्यान से समझते जा रहा होगा, वो उम्मीद कर रहा हूँ कि, ठीक है। चलो तो आगे आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ तुमको क्या कह रहा है कि कोई कार जो है 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वह तय करता है तथा अगले 30 किलोमीटर की जो दूरी है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करता है। तो कार की औसत चाल क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए तुमको कह रहा है, ठीक है। तो कोई कार जो है 30 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय कर रहा है, ठीक है। और अगले 30 किलोमीटर की दूरी जो है जब 20 किलोमीटर से चल रहा है, तो औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुल दूरी ना, तो कुल दूरी देख लेते हैं, कुल दूरी कितना होगा, तो यहाँ पर आ जाओ। तो कुल दूरी क्या होगा, 30 किलोमीटर जा रहा है और पुनः क्या जा रहा है, और फिर अगला 20 किलोमीटर ना, सॉरी अगला 30 किलोमीटर, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। का है भाई, बड़ा कह रहा है, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर ना, यानी क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो कुल दूरी तो हमें पता थे, कुल समय पता है ना ना बाबू, कुल समय नहीं दिया मगर यहाँ पर दे दिया है कार तुमको कि कार जो है 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। अब फिर जो है, जो अगला 30 किलोमीटर की दूरी होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, हम समय निकाल लेंगे दोनों केस में,
तो समय निकाला, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या हो जाता है चाल ना, दूरी बटा चाल। तो समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, चाल दूरी कितना है, चाल सॉरी 30 किलोमीटर ना, 30 किलोमीटर, चाल 40 का ना, तो 0 से 0 कर जाएगा। तो यहाँ से समय क्या आ जाएगा, तुमको 3/4 घंटा में, 3/4 घंटा। ये तो फर्स्ट केस का हो गया। सेकंड केस पर आ जाते हैं, अगला 30 किलोमीटर की दूरी भी ना, तो फिर से दूरी क्या हो जाएगा, 30 है ना, और इस बार चाल क्या है, 20 किलोमीटर बराबर है, तो 20 तो 0 से 0 कट गया ना, तो यानी क्या हो जाएगा, 3/2 आवर, 3/2 आवर। तो कुल दूरी तो तुमको पता चल गया, तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी ठीक है, और बटा क्या हो जाता है, कुल समय ना, कुल समय। तो कुल दूरी इसने कितना तय कर लिया है, यहाँ पर देख लो, कुल दूरी कितना तय कर लिया है इसने, 60 किलोमीटर ना, तो 60 किलोमीटर। समय कितना लगा है, तो कुल समय हम पहले निकाल लेते हैं, तो एक क्या है 3/4 ना, और एक क्या है 3/2 ना, 3/2, 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आई 2 2, यहाँ पर देख लो 2 2 4 ना, तो 3 2 6 होगा, तो 6 3 9/4 आवर लग गया। तो कुल समय 9/4 ना, तो 9 तो होगा, 4 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है देख लो काहे ऊपर चला जाएगा, तो इसको देखिए लो, तो 60/9/4 ना, तो 60 यानी क्या कर रहा है, 60 जो है 60 के भागम में नहीं, 9/4, तो 9/4, तो गुना में करेंगे तो क्या जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ना, तो 60 × 4/9 आ जाएगा, यही चीज तो है। 9 से कटता है, 3 से 20 मरते हैं, तो 20 = 80/3 किलोमीटर पर आवर आ गया क्या, औसत, ठीक है। चलो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कर रहा है कि कोई बस जो है 150 किलोमीटर लंबी लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की जो दूरी है इसने जो पहले 30 किलोमीटर की दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और शेष 20 किलोमीटर मार्ग को किस चाल से तय करेगी, उसकी औसत चाल क्या हो जाए, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। इस पर थोड़ा सा फंसाया, कुछ नहीं, एकदम हल्का सा घुमाया क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, तो तुमको औसत चाल दे दिया है ना, तो औसत चाल लिख लो पहले, तो औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, कुल दूरी बटा कुल समय ना, औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो बाबू तो 150 किलोमीटर लंबा मार्ग में है, तो यहाँ पर कुल दूरी जो तुमको दे दिया कितना, 150 किलोमीटर होता है, 150 किलोमीटर। कुल समय नहीं ना पता है, तो कुल समय हो जाए, कुल समय को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। और औसत चाल तुमको क्या दे दिया, 50 किलोमीटर ना, तो 50 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 50 टी बराबर क्या हो जाएगा, 150 ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 150/50 यानी कट के क्या हो जाएगा, 3 ना, तो 3 आवर आ गया तुमको, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, तो तुमको समय कितना टोटल लग रहा है, 3 घंटा का ना, तो 3 घंटा का। मगर अब यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि पर दो भाग में, पहले तो दूरी बढ़ रहा है, ठीक है, तो दो भाग में जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको हम देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि पूरा रेल मार्ग, पूरा रेल मार्ग नहीं, पूरा मार्ग जो है 150 किलोमीटर का ना है, 150 किलोमीटर का। तो पहला जो मार्ग है वह कितना का है, 30 किलोमीटर का ना, तो 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो शेष जो बचेगा मार्ग वो कितना हो जाएगा, 120 का ना, 120 किलोमीटर का हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, तो पहला का जो 30 किलोमीटर का मार्ग है वह 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के चाल से चल रहा है। हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का, वो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल ना, तो दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर ना, तो 30 किलोमीटर। चाल कितना है उसका, पहला 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर बराबर ना, तो 30/30 यानी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो पहला पार्ट में यानी यहाँ से लेकर के यहाँ जाने में इसको 1 घंटा का ना समय लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है, 3 घंटा का ना, 3 घंटा का हमने निकाला है। तो सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में कितना लग जाएगा, 2 घंटा का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 पॉइंट का 1 आवर लग रहा है, पूरा जाने में 3 घंटा का समय लग रहा है ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो 2 घंटा का तो इसको तो समय लग रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक तुमको क्या कर रहा है कि किस चाल से तय करे ना, जो शेष 20 किलोमीटर में, शेष 120 हो जाएगा, तो शेष 120 किलोमीटर के जो मार्ग है कितना से, औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। तो अब क्या कर रहा है, तो हमको तो कितना चाल से निकलता है, चाल बराबर क्या होता है बाबू, फॉर्मूला
दूरी बटा क्या हो जाता है, समय ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया, 120 ना, 120। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा का ना, 2 घंटा, यानी क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम सब लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारा कह रहा है, इन रेस्ट यानी विरामावस्था में सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल जो है 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। ठीक है, और यदि वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का जो वेग है यानी वेलोसिटी है अगले 5 सेकंड में घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण कितना है। ठीक है, जिसका गणना करना है वो त्वरण कौन है, तो त्वरण का गणना करना। आगे आ जाओ, तो विरामावस्था में है बाबू, तो विरामावस्था में है, तो अब यहाँ पर जाओ बाबू, तुम तुमको न्यूमेरिकल बनाने के पास रहे कॉन्सेप्ट में बताए थे कि यदि न्यूमेरिकल बनाने में यदि खास करके मोशन में यदि त्वरण का चर्चा हो रहा है तो दो फॉर्मूला तो तुम भूल जाओ, जो दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर चाल में समय जो यूज करते हो उसको तो भूल जाओ, वो तो लगेगा। तो इसके लिए तीन गो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीन फॉर्मूला क्या क्या हो जाता है बाबू, एक हो जाता है एस बराबर एम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक क्या हो जाता है वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, और एक हो जाता है क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हो जाता है। ठीक है, यही तीन गो फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी पर हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसी पर बने। तो तुमको क्या कह रहा है कि विरामावस्था में रहे, तो यू किसको कहते हैं बाबू, प्रारंभिक वेग को ना कहते हैं। तो प्रारंभ में क्या है, विराम में है, तो विराम में है तो एक्चुअल में मतलब क्या है, उसका वेग उस समय क्या 0 ना, तो 0 मीटर पर सेकंड लिख देते। तो शुरू करता है चाहे साइकिल चलाना 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का ना वेग प्राप्त करता है। तो टाइम कितना दे दिया, 30 सेकंड का ना, 30 सेकंड। वेग कितना का प्राप्त कर लेता है, वी कितना का, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए बाबू, विराम से स्टार्ट करके 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया ना, यानी भी इसका क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या कहता है कि वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है। ठीक है, अब उसने ब्रेक लगाया तो साइकिल का जो वेग है तो अगला 5 सेकंड में घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या करे, वो पुनः ब्रेक लगाता है। ठीक है, तो ब्रेक लगाया तो अगला 5 सेकंड में उसका जो वेग घट कर क्या हो जाता है, 4 मीटर पर सेकंड। तो ब्रेक लगा रहे थे यानी उसका पहले तो यानी क्या होगा, चल कितना सा है, 6 मीटर से ना, तो इसका जो पहला पार्ट का जो भी था, सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, यू ना, यू हो जाएगा। और कहाँ तक घट करके कहाँ पर आएगा, 4 पर ना, तो भी हो गया 4। समय कितना लग रहा है, टी कितना, 5 सेकंड ना, 5 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब आगे आ जाओ, तुमसे क्या कह रहे कि दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बराबर यू प्लस ए टी ना, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बटा टी। वी कितना है, 6 ना, यू कितना है, 0 ना, टाइम कितना लग रहा था, 30 सेकंड का, तो 6/30 यानी क्या हो जाएगा, 1/5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, तीसरे है ना कि तीन था, थोड़ा सा मिला लेता हूँ क्वेश्चन, कभी कभी जो हम उतारते हैं ना क्वेश्चन को तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, कोई बार जो है अगल बगल लिखा जाता है, एक बार चेक करते, नहीं बाबू यही है, 30 सेकंड की आगे आ जाओ, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आ जाओ, अब सेकंड केस में पूछ रहे हैं, तो सेकंड केस में ये बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बटा टी ना, इसका भी क्या है, 4 ना, यू कितना है, 6 6/ टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड का, 5 सेकंड, तो -2/5। ठीक है, यानी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादा देर चलता है तो ही नोटंकी। ठीक है, चल आगे आ जाओ, उम्मीद करता हूँ बाबू तुम लोगों ने ये भी क्वेश्चन समझ लिया होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या कर रहा है कि एक खिलाड़ी जो है जो एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक बात है, और 5 सेकंड बाद उसका जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का हमें क्या कह रहा है कि मान पूछ रहा है कि त्वरण का मान क्या हो, ठीक है। तो कोई खिलाड़ी जो एक सीधे पथ पर क्या कर रहा है विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो अगेन वो विराम से न दौड़ना का प्रारंभ कर रहा है तो यू क्या हो जाएगा, 0 ना, तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया। 5 सेकंड बाद उसका वेग ना, यानी डी बराबर क्या 5 सेकंड दे दिया है, उसका वेग बढ़ करके कितना हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड ना, यानी भी दे दिया है तुमको कितना 20 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है कि एक समान हो तो उसका त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देख लो बाबू, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है तो यू 0 हो गया, कहाँ तक कितना वेग मैक्सिमम पहुंचा देता है 20 का, तो भी हो गया, कितना तेज समय लगता है 5 का, तो ए पूछ रहा है, ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला वी माइनस यू बटा टी ना, वी कितना हो गया 20, यू कितना हो गया 0, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड तो 20/5 में कट जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि कोई एक रेलगाड़ी है जो वो भी विराम अवस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है तो 5 ही मिनट में वह 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करती है, यानी चाल प्राप्त करती है। तो मान लें कि त्वरण एक समान है तो गणना करें, तो क्या कर रहा है गणना करने के लिए त्वरण पूछ रहा है तुमको, और क्या पूछ रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। दो चीज पूछ रहा है, तो त्वरण तुमसे पूछ रहा है, दूसरा इस वेलोसिटी को प्राप्त करने के लिए दूरी कितना तय किया, तो विराम से न चल रहा है बाबू तो यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 मीटर पर सेकंड। और 5 मिनट में, यानी समय दे दिया तुमको 5 मिनट ना, 5 मिनट कितना का वेग प्राप्त कर लेता, 72 किलोमीटर पर आवर का ना, यानी भी हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो तुमसे कह रहा है कि वेलोसिटी की दूरी तुम सबसे पहले पूछ रहा था कि त्वरण क्या होगा, उसके बाद तुमसे पूछ रहा है कि दूरी भी क्या होगी, ठीक है। चलो तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तो तुमको क्या हो गया इस बराबर ना, तो ये सब तुमसे पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा था ना, अब आगे आ जाओ, तो तुमको ए बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पुट करेंगे, वी माइनस यू बटा टी, तो तुम जान जाओ। मगर अब यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल बनाने में एक बात का ख्याल रखना कि जो भी यूनिट लो, या तो तुम सीजीएस यूनिट लो या तो तुम एसआई यूनिट लो, उसका यूनिट जो है हमेशा एक ही होना चाहिए, या तो सीजीएस में रहे या तो एसआई में रहे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देख लो, तुम यू हमने ले लिया 0 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पर क्या है मिनट में, तो मिनट को पहले हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड ना, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा 5 गुना 60 बराबर कितना हो जाएगा 300 सेकंड ना, 300 सेकंड में अभी ये 72 किलोमीटर पर आवर ना, तो 72 किलोमीटर पर आवर तो हमको किस मिनट में चेंज करना, मीटर पर सेकंड, मिनट मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने क्या करना पड़ता है 5/1800 गुना ना, तो 1872 यानी 5×20 ना, तो 20 मीटर पर सेकंड तुमको क्या आ गया भी आ गया। ये हम निकाल लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाता है वी माइनस यू बटा टी ना टी, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी कहाँ पर है 20 ना, 20 माइनस 0, समय कितना लग रहा है 300 का ना, 300, तो 20/300 ना तो काट दो, तो यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसने त्वरण उत्पन्न किया, ठीक है। चलो अब तुमसे पूछ रहा कि एस पावर क्या हो, तो देख लो बाबू यू भी टी सब कुछ दिया हुआ है ना, एस पावर तुम कहाँ से निकालोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, चलो यू टी प्लस हम हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेते हैं, तो यू का वैल्यू 0 है ना, तो 0 × t कर देंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, तो 0 × 300 सेकंड ना, तो 300 तो 0 होना प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना 1/15 ना, ए टी का वैल्यू कितना 300 ना, 300 × 1/3 300 कर, ठीक है। तो 15 से कितना मरतबे कट जाएगा 20 मरतबे, ये 2 से कितना मरतबे 150 मरतबे, 150
तो 15 दूनी 30 यानी क्या हो जाएगा, 3000 मीटर आ गया। ठीक है, ये तो 0 बना था, 3000 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इसमें दूरी तय। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कर रहा है कि कोई कार जो है जो एक समान रूप से एक्सलरेटेड होकर यानी त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर का क्या करता है, वह वेग प्राप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए कि त्वरण तथा उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। एकदम हूबहू यही क्वेश्चन था, और जिसको हमने पिछला सॉल्व किया था ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो कोई कार एक समान रूप से, तो टाइम लगे तुमको 5 सेकंड का अंतर दिया है, तो 5 सेकंड मन तो कर रहा है वही क्वेश्चन वही वाला स्लाइड पर फिर से इसको रगड़ता है, मगर आज टीप पर 5 सेकंड हो गया ना, और एक समान रूप से एक चल रही है ना 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से, तो यू कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कहाँ तक बढ़कर हो जाता है, 36 बनना था, 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर रहा था। तो वन पूछ रहा है तो ए ना, और कार द्वारा दूरी ना, तो एस पूछ रहा है। ठीक है, चल आगे आ जाओ। तो ए हम पहले निकाल लेते हैं, ए निकालोगे तो उसके पहले तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है सेकंड में, तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो 18 × 5/18 यानी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। आई क्या हो जाएगा, 36 × फिर देखो कर लगा नौटंकी, 36 × 5/18, 18 से 2 मरतबे कट गया ना, तो 5 × 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू हो गया 5, अब भी हो गया 10। ये ना पूछ रहा है तो ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी माइनस यू बटा 3 ना, वी का वैल्यू 10। ये बात बड़ा नौटंकी कर रहा है, 10 − 5/, टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड है ना, 5 सेकंड यानी 5/5 यानी क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का वैल्यू आएगा कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चल अब आगे आ जाओ। तो एस ने पूछ रहा है, तो एस हम निकाल लेते हैं, तो एस निकालने का बहुत सारा रास्ता है, तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से चलो, तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से चलते हैं, तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से, तो यू का वैल्यू तुमको जो है दिया हुआ है ना, यू का वैल्यू कितना है बाबू देख लो, 5 मीटर पर सेकंड ना, तो 5 × टाइम कितना है, 5 × 5 हाफ ना हाफ, ए का वैल्यू कितना है, 1 × 1, टाइम कितना है, 5 × तो 5 × 5 कर दो, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 ना। ठीक है, चलो अब 25/2 ना, 25/2 यानी 25 + 25/2 क्या हो जाएगा, 12.5 ना, 12.5 यानी क्या हो जाएगा, 37.5 मीटर की दूरी तय। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या कह रहा है, ये किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगती है, तो इतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कि गणना करें। अब आगे आ जाओ, तुमको जो है गति की विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है ना, गति की विपरीत दिशा, तो गति की विपरीत दिशा में लगा है, यही त्वरण क्या हो गया, मंदन के रूप में लिखा जाता है यानी माइनस लिखा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, −6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगा रहा है ना बाबू, और रुकने में कितना लगा रहा है समय, 2 सेकंड का ना। ठीक है, तो टाइम तो हो गया 2 सेकंड का, तो ब्रेक लगाने के बाद तो रुकता है, तो रुक जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, उसका आखिरी वेग 0 हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड। तो तुमसे पूछ रहा है कि इतने समय में उसने दूरी कितना तय किया, इसने पूछ रहा है, तो इस पूछ रहा है, तो इसके लिए इस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से हम चलेंगे, उसके लिए हमको यू का जानकारी लेना पड़ेगा ना, कि यू कितना होगा, तो यू पहले निकालो, तो कहाँ से चलेंगे, वी बराबर यू प्लस 80 से ना, वी 0 हो गया ना, तो 0 बराबर यू प्लस ए का वैल्यू कितना, −6 ना, टी दूर ना, तो दूर हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0 − u − 12 − 12, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 12 ना, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है,
यू का वैल्यू कितना है 12 मीटर पर सेकंड। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एस पावर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, हाफ एटी स्क्वायर आ गया। आ जाओ यू का वैल्यू कितना हो गया, यू के यहाँ पर 12 ना 12, टी कितना है टी 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 2 सेकंड ना 2, माइनस हो जाएगा हाफ क्योंकि ए का वैल्यू माइनस में नहीं, तो माइनस हाफ गुना 6 ना 6 और टाइम 2 का ना, तो 2 गुना 2, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो, तो 12 दूनी 24 24 माइनस 6 दूनी 12 ना 12, 24 माइनस 12 12 ना, यानी 12 मीटर आ गया। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 11 तुमको क्या कर रहा है, ये किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के ब्रेक के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है, इतने समय में इसका वेग वेग नहीं बाहु वेग है, ठीक है, वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है, तो त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है, ये तुमसे पूछ रहा है। आगे आ जाओ, तो इस क्वेश्चन में तुमको बाबू दिया क्या क्या का कि ब्रेक के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है, ठीक है, और इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है, तो यू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ करके कितना हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। त्वरण तुमसे न पूछ रहा है ये का वैल्यू, और 5 सेकंड ना पूछ रहा है, टाइम कितना दे दिया 5 सेकंड ना 5 सेकंड, ठीक है चलो 5 सेकंड तक है, तो तुमसे पूछ रहा है, ये से भी पूछ रहा है दूरी कितना होगा, तो पहले तो ये निकालो, तो ये बराबर क्या होता है फॉर्मूला भी माइनस यू बटा टी, भी 20 यू 10 टी 5, तो 10 बटा 5 ना यानी 2 सेकंड हो गया, अब सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुमसे क्या कह रहा है एस ना, एस बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, इस पर दूसरा से चलते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS से चलते हैं, कर लगा नो टंकी, ओहो 2 AS, ठीक है, तो भी कितना है 20 ना, तो 20 का स्क्वायर हो गया, यू कितना है 10 ना, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 AS ना, तो 2 A का वैल्यू 2 ना 2 AS, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 में 40 ना 40 हो गया, 100 इधर आ जाएगा प्लस में तो माइनस में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 400 माइनस 100 बराबर 4S, तो 4S बराबर 300 ना 300, तो S बराबर क्या हो जाएगा 300, तो 300 बटा 4 यानी क्या हो जाएगा 75 ना, 75 मीटर का दूरी तय किया, और त्वरण कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है चलो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, क्या कह रहा है कि कार की स्पीड जो है 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या करना, ठीक है, तो टाइम दे दिया तुमको क्या 10 सेकंड, और यू कितना है 20 किलोमीटर पर आवर और भी कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तुमसे पूछ रहा है ए का वैल्यू, तो ये बराबर क्या होता है भी माइनस यू बटा टी, तो पहले तो देखो ना इस सेकंड में ही क्या है किलोमीटर पर आवर में ना, इसको सबसे पहले किस में चेंज कर दो मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको करना पड़ता है 5 बटा 18 से गुना ना, तो 20 बटे 100 बटा 18, ठीक है, यानी दोनों को काट दो तो क्या हो जाएगा 50 बटा 9 ना, तो 50 बटा 9 मीटर पर सेकंड, भी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर ना, 50 किलोमीटर यानी 50 × 5/18 यानी क्या हो जाएगा 250/18 यानी क्या हो जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड, आ गया तुमको क्या भी का वैल्यू, तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी ना, तो भी हो गया कितना 125/9 - u कितना हो गया 50/9 50/9, और टी कितना लग रहा है 10 सेकंड 10 सेकंड, 9 तो एलसीएम हो जाएगा, तो 125 - 50 बटा 10 में, 125 माइनस 50 करोगे तो क्या हो जाएगा 75 ना 75 बटा
नौ 10 नीचे में रहेगा, 10 तो नीचे में होगा। 25 तिया 75 और 3 तिया 9, यानी 25 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ रहा है। ठीक है, चलो तो चलो लग तो 25/30 को डेसिमल में चेंज करते क्या होगा, 30 10 40, तो लगभग 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अब 13 पर आ जाते हैं कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण जो है 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, बोर ना हो रहे हो रहे तुम लोग सब, आराम से पढ़ो, यही है जो तुमको IIT निकलवाएगा, बोर मत होना। ठीक है, तुम आराम से पढ़ो, आराम से बनाओ। आगे तो विराम अवस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का जो त्वरण है इतना न हो जाता है विराम अवस्था से, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण कितना कह रहा है बाबू, 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण होता रहा है, तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है, टी 1 सेकंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो भी निकाल लेते हैं, तो भी कितना हो जाएगा, तो भी बराबर क्या होता है बाबू, U+18 ना, तो U+18, यू तो 0 हो गया, ये क्या भाई 8.5 ना, 8.5 1 सेकंड ना, तो यानी भी कितना हो जाएगा, 8.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे आ जाओ, तुमसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, UT+½, टी स्क्वायर ना, तो 0 × 1+½, ना हाफ, ये क्या वैल्यू 1 हो गया, और टी कितना हो जाएगा, सॉरी 8.5 नहीं, ये का वैल्यू टाइम टी है ना, तो 1 × 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा 8.5/2, यानी क्या हो जाएगा, लगभग आ जाएगा तुमको, अब नहीं का चल रहा है 4.25 मीटर पर सेकंड। इसके लिए भी निकालने का कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही से निकल जाए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, मैया जसोदा तेरा कन्हैया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, 15 नहीं ना, पहले 14, 14 तो विराम से प्रारंभ करके कोई जो वस्तु है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या कर रहा है, त्वरण उत्पन्न करती है, तो इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो विराम से प्रारंभ हो रहा है बाबू, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। त्वरण इसने कितना को उत्पन्न करा, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ना, तो ए का वैल्यू हो गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रथम 5 सेकंड में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेकंड में ना तय की गई दूरी, यानी तुमसे क्या पूछ रहा है, एस ही ना, एस निकाल लो, एस बराबर UT+½ AT² क्या, UT+½ AT² से ना, AT² यू 0 ना, तो 0 × t तो +½, ये क्या वैल्यू 16 ना, टी कितना है 5 ना, तो 5 × 5 ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 से 8 मतलब है ना, तो 5 × 5 = 25 × 8, यानी 25 × 8 = 200 मतलब 200 मीटर। ठीक है, चल बोर नहीं होना, एकदम सटीक सटीक क्वेश्चन है, एकदम रगड़ते चलो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, सब तो वन लाइन है बाबू, सब क्वेश्चन क्वेश्चन को जान है। ठीक है, आगे आ जाओ, तो क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 7 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, सात न बाबू 60 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कर, तार नहीं कार। आ गया, यू कितना हो गया, 20 ना, 20 किलोमीटर पर आवर 6 सेकंड में, तो टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड ना, 6 सेकंड कहाँ तक भी पहुंच गया था, 60 किलोमीटर पर आवर ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर त्वरण ना पूछ रहा है, तो ये भी निकालो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस यू बटा टी ना, टी भी कितना है 60 है, यू कितना है 20 है, टाइम कितना है 6 है, तो गलत हो जाएगा, टाइम है 6 सेकंड में ना, तो सबसे पहले इसको क्या किस में चेंज करना पड़ेगा बाबू, मीटर पर सेकंड में ना, तो 5/18 से इसको भी, 5/18 से इसको भी। ठीक है, तो 2 × 18
तो क्या हो जाएगा 50/9। अच्छा हाँ 50/9। ये क्या हो जाएगा 60 × 9 तो 36 × 18 6 × 10 ये क्या हो जाएगा 10 × 5 50/3 ना, ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 50/9। ये तो गलती था ना, इसको तो हटा लेते हैं। आगे आ जाओ, तो 50/3 मीटर पर सेकंड तो भी कितना है 50/3 ना, 50/3 ये क्या है 50/9 ना, 50/9 समय कितना का लग रहा था 6 सेकंड का, 3 9 का एलसीएम 9 ना, 3 3 9 50 किया 150, 900 कैंसिल 50 ना 6 हो गया, 150 - 50 करोगे तो क्या हो जाएगा 100/9 ना, ये 6 हो जाएगा तो 6 इसके साथ ही गुना में जाए तो गुना। अब कहो कि 6 इसके साथ गुना में, तो तुमको एक क्वेश्चन में तुमको समझा दिए थे कि भागा में ना 9/6 बापू, तो भागा में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना में, नीचे वाला ऊपर चले जाए तो क्या हो जाएगा कट रहा है कुछ से, तो द्वितीय 6 50 ना, तो क्या हो जाएगा 50/9 27 ना, 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है चल मैं काम चल खत्म। तो इसको यदि भागा दे दो तो 27 से 50 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लगभग 2 ना, लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है लगभग 2 रहने दो, डेसिमल में ये कोई हर बार थोड़ी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करके, कोई वस्तु जैसे विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है, और 5 सेकंड में उसका वेग जो है 4 मीटर पर सेकंड का हो जाता है, त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है तो विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करता है ना बाबू, तो विराम अवस्था से यानी यू क्या हो जाएगा 0 ना, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। एक समान त्वरण से चलती है ठीक है, और 5 सेकंड बाद उसका वेग जो है 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो टी हो गया 5 सेकंड का ना, 5 सेकंड का, और उसका वेग जो है जो भी हो जाता है कितना 4 मीटर पर सेकंड ना, 4 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछ रहा है कि ए कितना होगा और एस कितना हो जाएगा, तो ए बराबर क्या होता है भी माइनस यू बटा टी, भी 4 हो गया, यू 0 हो गया ना, टाइम कितना लग रहा है 4 का सॉरी 5, तो क्या हो जाएगा 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसको यानी लिख सकते तो 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है चलो, 3 घंटा से लगातार चल रहा है बाबू, यही चलते कभी कभी चलबे नहीं करता है, क्या करेगा इसको भी ताकत जवाब देख लो, रिकॉर्डिंग में है तो नजर आ रहा है तुमको ना, नजर आ रहा होगा 44.56 सेकंड का हो गया है। ठीक है आगे आ जाओ, ये जवाब निकालो तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ना, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है यू कितना हो गया, यू कहाँ गया था 0 हो जाएगा, तो 0 × t, टी कितना तो 5 में, तो 0 होने हैं तो हाफ ए का वैल्यू कितना हो गया 4/5 में, 4/5, और टी कितना था 5 में, तो 5 × 5 1 5 से 1 5 कैंसिल, 2 से 2 मतलब कैंसिल, 5 × 10 ना, तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 आखिरी क्वेश्चन। कोई कह रहा है कि विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चल रहे, तो विराम से चल रहा है तो यू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, त्वरण तुमको दे दिया कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इसके कितना दे दिया तुमको 250 मीटर ना, इसका दूरी को समय कितना यानी दूरी को चलने में क्या अपनों का समय कितना लगेगा, अब वेग पूछ रहा है टी और वी दोनों तुमसे पूछ रहा है। ठीक है तो वो सबसे पहले हम टी निकाल लेते हैं, कहाँ से चलोगे इसी से चलो, तो वी बराबर चल जा मेरे भाई बस आखिरी क्वेश्चन है, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो वी भी नहीं ना पता है तो कहाँ से पता चलेगा, तो पहले तो इधर टी ही नहीं निकल पाएगा, इस बराबर यूटी प्लस हाफ इस बार से चलते हैं, टी नहीं पता है तो इस बराबर यूटी प्लस हाफ इस बार पे गड़बड़ आ जाएगा,
तो हम कैसा चले भाई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए से चलो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से, तो वी स्क्वायर बराबर यू का वैल्यू जीरो ना, तो जीरो का स्क्वायर टू एस से ना, तो टू गुना ए भी 0.5, एस कितना होगा 250 ना, 250 डेसिमल हटा देगा तो नीचे 10 कट जाएगा, तो 25 पचे 125 गुना दो ना, चल जा मेरे भाई बस हो गया हो गया एकदम, तो 250 क्या होगा भी स्क्वायर बराबर ना, तो भी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 250, तो इसका लगभग यदि करोगे तो किसका हो जाएगा 1516, 1516 के बीच में हो जाएगा ठीक है, तो 15.78 लगभग होगा ठीक है, लगभग क्या 15 से 16 के बीच में होगा, तुम लोग वर्गमूल निकालना ठीक है, हमको अंदाजा लग रहा है कि 15.7 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब आ जाते हैं टी पर ना, तो टी कर लो, तो भी बराबर प्लस ए टी से ना ठीक है, तो भी कितना हो गया रूट 250, यू प्लस ए टी ना, यू यू कितना है जीरो ना, जीरो ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 0.5 ना, 0.5 टी ना, तो टी हो गया ठीक है। चल टी क्या हो जाएगा 250 का वैल्यू क्या हम कर रहे हैं लगभग 6 लगभग 15.5 ना, यानी 15 से ज्यादा 16 से कम, लगभग हम 16 ले लेते हैं ठीक है, कैलकुलेशन आसान ये हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, उतना कैलकुलेटर का कोई जरूरत नहीं है, तो 16 बटा क्या हो जाएगा 0.5 नहीं 0.5, ये ऊपर 10 हो जाएगा 160/5 यानी 32, लगभग 32 सेकंड का समय लग जाएगा ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग 17 के 17 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है। चल।